ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहु लक़ाइलून वला युहसी नअमाहु लआद्दून वला युअद्दी हक़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफतिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدانا أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي البطهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وجنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات हाज़िर ग्रामी क़द्र मौजूद सामईन कराम और अज़दरान बीबी दो आलम सलावतुल्लाह अलैहा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप तमाम हजरात की तरफ से बारगाह इमाम ज़मान में उनकी जद्दा अमजदा पाक बीबी फ़ातिमतु ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के शहादत के उनवान से तसलियत और पुरसा पेश करता हूँ। सानियन अपनी तरफ से आप तमाम हजरात की खिदमत में इन तारीखों बिलखसूस जिस सिलसिले को लेकर इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं सरोज़ा मजालिस का सिलसिला बीबी की शहादत के उनवान से तसलियत और पुरसा पेश करता हूँ। दावंद आलम से दुआ गो हूँ कि मेरे अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, हमारी आमद को कबूल फरमाए, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत और इताअत को शरफ़ कबूलियत भी बख्शे। लायक़ तहसीन हैं क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना मुंतज़र जाफरी साहब क़िबला के इस वबा और बला के आलम में बेहतरीन इंतज़ाम उन्होंने किया है, गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी अकीदत के इजहार के लिए आप हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह 40-45-50 मिनट आपके सामने हायल हूँ और अंजाम वजीफ़ा के बाद रुख्सत।
एक आयत जिसकी तलावत का शरफ हासिल किया है, तर्जुमा कुछ उसका इस तरह से है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुसना, और अल्लाह के लिए अस्माए हुसना हैं, फदउहु बिहा, उस अल्लाह को इन्हीं नामों के ज़रिए से पुकारा करो और बुलाया करो। वज़रुल्लज़ीना युल्हदूना फ़ी अस्माए, और उनका रास्ता छोड़ दो कि जिन्होंने उसके अस्मा में इल्हाद किया, कुफ्र किया और शिर्क किया। सयुज़ौना माकानू यामलून, और जो भी कोई ऐसा करता है कि अल्लाह के नामों में कुफ्र करे, इल्हाद करे, शिर्क करे, तो अनकरीब वो अपनी जज़ा और सज़ा को देखने वाला है। रोज़ क़यामत उसको इसके इल्हाद, कुफ्र और शिर्क की सज़ा मिलने वाली है। अगर आप गौर फरमाएं, अस्माए हुसना इसमें जो एक मानूस लफ्ज़ है, हम सब जानते हैं हमारे घरों में खैर व बरकत के लिए हियल अस्माउल हुसना के नाम से एक तख्ती लगी रहती है कि जिसके नीचे अल्लाह के नाम होते हैं, अर रहमान, अर रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, वो खुदाबंदे आलम के मशहूर नाम जिनको हम अस्माए हुसना के नाम से ताबीर करते हैं। लिहाजा ये लफ्ज़ हमसे मानूस है, हम जानते हैं। मगर अल्लाह इस आयत के अंदर जिन अस्माए हुसना की बात कर रहा है, वो अस्माए हुसना उस तख्ती वाले अस्माए हुसना से जुदा हैं। वो भी अस्माए हुसना हैं, इसलिए कि खुदाबंद आलम के वो तमाम नाम जिनसे उनको बुलाया जाए वो उसका बेहतरीन नाम करार पाते हैं। मगर इस आयत में अगर आप गौर फरमाएं तो उसने ये नहीं कहा है कि अस्माउल्लाहुल हुसना फदउहु बिहा, अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं उनके ज़रिए से अल्लाह को बुलाओ, बल्कि उसने क्या कहा है, लिल्लाहिल अस्माउल हुसना, अल्लाह के लिए अस्माए हुसना हैं, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है। इन दोनों का फ़र्क है, अल्लाह के अस्माए हुसना, अल्लाह के लिए अस्माए हुसना, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क। फ़र्क क्या है, बराबर के भाइयों के लिए आसानी हो जाए लिहाजा अर्ज करूँ आज की ज़बान के एतबार से। एक बार आप अंग्रेज़ी में कहते हैं नेम्स ऑफ गॉड, और एक बार आप कहते हैं नेम्स फॉर गॉड। नेम्स ऑफ गॉड का मतलब और होगा, नेम्स फॉर गॉड का मतलब और होगा। और वाजे कर दूं, एक मेरी जात है, एक मैं खुद हूं, एक मेरा वजूद है, मेरे अज्जा हैं, और इस कायनात में मेरे अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं हूं, मेरा जुज नहीं है, लेकिन मेरे लिए हैं। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं मैं। एक मैं खुद हूं, एक मेरा नाम है, एक मेरी रूह है, एक मेरा जिस्म है, एक मेरी ज़र्फियत है, और एक दुनिया के अंदर वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए हैं। मिसाल के तौर पर अम्मामा मैं नहीं हूं, ये मेरे लिए है। ये लाउड स्पीकर मेरी जात नहीं है, ये इस वक्त मेरे लिए है कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। ये मेंबर मैं खुद नहीं हूं, ये इस वक्त मेरे लिए है कि मैं यहां पर आऊं और पैगामात को पहुंचा सकूं। तो एक वो चीज़ें होती हैं जो किसी के लिए होती हैं, और एक वो होती हैं कि जो उसकी ज़ाती तौर पर होती हैं। फ़र्क क्या होता है कि साहब, के जो चीज़ें किसी के लिए होती हैं वो चीज़ें और होती हैं और शख्स और होता है। काश मुतवज्जो हो आप, काश मुतवज्जो हो आप। मैं और हूँ, ये लाउड स्पीकर और ये माइक और ये सिस्टम, ये लैपटॉप, ये कैमरे, ये दरी, ये चादर, और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये और हैं। मैं और हूँ और ये चीज़ें और हैं। लिहाजा अल्लाह ने कुरान करीम में ये नहीं कहा कि अल्लाह के नाम बेहतरीन है उनके जरिए बुलाओ, उसने कहा कि अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है उनके जरिए खुदा को बुलाया जाए। लिहाजा मालूम यह हुआ कि जिनके जरिए से खुदा को बुलाया जाएगा वो और होंगे और खुदा और होगा। जिनके जरिए से खुदा को बुलाया जाएगा, निदा दी जाएगी, दावत की जाएगी, दुआ की जाएगी, जिन नामों के जरिए, वो और होंगे। अब आइए तलाश करें कि वो कौन है कि जिनको अल्लाह ने अस्माए हुसना करार दिया हो, वो कौन अफराद हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह को बुलाया जाएगा, जिनके जरिए से अल्लाह को पुकारा जाएगा। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिम सलाम, शहर मदीना में अपने तमाम शागिर्दों के सामने बैठे हुए हैं। अचानक शागिर्दों में से एक शागिर्द ने सवाल किया, मौला ये जो कुरान करीम में आया है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, इनके जरिए अल्लाह को बुलाओ, तो ये वो अल्लाह के नाम कौन है जिनके जरिए हमको अल्लाह को बुलाना है? इसलिए कि हर इंसान अपने आप से तो नहीं बुला सकता, जिसको बुला रहा है अगर उसी को बुलाना है तो उस तरीके से बुलाना होगा जैसे वो चाहता है।
मिसाल के तौर पर मेरा नाम जो होगा, अगर आप मुझे पुकारना चाहेंगे तो उसी नाम को इस्तेमाल करेंगे। अगर उस नाम के अलावा दूसरे नाम आप पुकारते रहें और बुलाते रहें तो मैं पलट कर देखने वाला नहीं हूं, इसलिए कि ये मेरा नाम नहीं है। काश मुतवज्जे हो। मौला ये जो अल्लाह कह रहा है वल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, फदउहु बिहा, उन्हीं नामों के जरिए से अल्लाह को आवाज दो, बुलाओ, पुकारो, ये नाम कौन से हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि अस्माए हुसना कौन है? क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि किन के जरिए अल्लाह को बुलाया जाएगा? कहा मौला, मालूम होता तो सवाल क्यों करता, मालूम होता तो पूछता क्यों? ए मेरे मौला, आप हर सवाल का जवाब देते हैं, मुझे बताएं कि ये अस्माए हुसना कौन है जिनके जरिए से हमें अल्लाह को बुलाना है। बैतना सुनना था, वारिस इल्म नबीयीन ने एक मरतबा अपने आप को अपनी जगह से बुलंद किया, अपने मकाम से खड़े हुए, सीने के ऊपर हाथ मार के फरमाया, नहनु कलिमातुल्लाह, नहनु अस्माउल्लाह, बिना उरफ अल्लाह, बिना उबद अल्लाह। वो अल्लाह के कलिमात कि जिनके जरिए आदम को खलीफा बनाया जाता है, वो कलिमात भी हम ही हैं, और जिन नामों के जरिए से अल्लाह को बुलाया जाता है वो नाम भी हम ही है। बिना उरफ अल्लाह, हमारे जरिए से अल्लाह पहचाना गया, बिना उबद अल्लाह, और हमारे जरिए से लोगों ने तरीके इबादत को सीखा है कि अल्लाह की इबादत कैसे होगी, ये हमारे जरिए से लोगों को मालूम हुआ, लिहाजा अस्माए हुसना हमें। अब ये बात तो एकदम वाजे हो गई कि अस्माए हुसना से मुराद वो 14 हैं कि जिनके जरिए हमें अल्लाह को बुलाना है। मगर ये जो आयत का अगला जुज है, युलहदूना फी अस्माए, कुछ ऐसे बदबख्त भी आपको दिखाई देंगे जो उसके नामों में इल्हाद करते हैं, जो उसके नामों में कुफ्र करते हैं, जो उसके नामों में शर्क करते हैं। साहब, ये इस्म में और नामों में शर्क कैसे होता है? इसलिए कि जब भी आप किसी एतकाद की अकीदे की किताब को उठाकर देखेंगे, और जब वहां बात सबसे पहला चैप्टर जो जिससे आगाज होता है किताब का, वो तौहीद है, यानी अल्लाह एक है। हमारे उसूल दीन में भी बुनियाद तौहीद है कि अगर तौहीद दुरुस्त हो गई तो तमाम अकायद दुरुस्त होंगे, और अगर तौहीद मुतजलजल है तो फिर सारे अकायद भी मुतजलजल होकर रह जाएंगे, काबिल कबूल ना होंगे। तो अकायद की किताब में जब भी आप पहला चैप्टर खोलते हैं तो तौहीद नजर आती है, लेकिन जब तौहीद नजर आती है तो वहां तीन बाब खुलते हैं। उलमा तशरीफ फरमाए, इंशाल्लाह तायीद फरमाएंगे, तीन बाब खुल के सामने आते हैं तौहीद के, और तौहीद के मुकाबले में कि जो तौहीद को ना माने, अल्लाह को ना माने, अल्लाह को एक ना जाने, फिर वो मुशरिक कहलाता है। तो ये जो तौहीद की बहस होती है, यानी इल्हाद के मुकाबले पर, शिर्क के मुकाबले पर, कुफ्र के मुकाबले पर, वह तौहीद हमें तीन सफों में दिखाई देती है। काश मुतवज्जे हो आप। वहां पर तीन तरह की तौहीद नजर आती है। पहली तौहीद क्या है? कज़ाब अल्लाह की जात में तौहीद। मुसलमान का अकीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह जात में अकेला है, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बिल्कुल अकेली है, कोई उसमें शामिल नहीं है। इसको कहते हैं तौहीद ज़ाती। अलबत्ता ये एक एक लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके पीछे 20-20 सबक और 100-100 पेज लिखे जाते हैं, तब जाके समझ में आती है। मैं इशारा करता चला जाऊंगा, इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाए। तो पहला चैप्टर जो खुलता है वो होता है तौहीद ज़ाती का, कि हमारा पहला अकीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह पर्सनैलिटी में अकेला है, अल्लाह जात में अकेला है। इसके बाद जब यह वाज़ेह हो जाता है तो दूसरा चैप्टर आता है तौहीद सिफाती का, कि न सिर्फ यह कि अल्लाह जात में अकेला है बल्कि अल्लाह सिफात में भी अकेला है। काश मुतवज्जे हो आप। यानी जो अल्लाह के अंदर खसूसियात हैं, सिफात हैं, जो उसके अंदर खूबियां पाई जाती हैं, वैसी खूबी किसी के अंदर नहीं पाई जाती, इन खूबियों में भी खुदा बंदे आलम अकेला है। और तीसरा चैप्टर खुलता है तौहीद अफआली का, कि खुदा बंदे आलम जो अफआल अंजाम देता है, जो एक्ट करता है, जो काम करता है, वो भी अकेले करता है, कोई उसका साथी और संगाती नहीं होता। हम पढ़ते हैं हर नमाज के अंदर, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, कोई उसका कफो नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है जिससे वो मशवरा करे या जिसके कहने की वजह से वो उमूर को अंजाम दे। मुलाहिज़ा फरमाया आपने, यानी तौहीद नजर आती है तीन तरह की, तौहीद ज़ाती, तौहीद सफाती और तौहीद अफ़ाली। इस कायनात में जब आप मुवाहिदीन यानी अल्लाह को एक जानने वाले अफराद के मुकाबले में दूसरे मजहबों के यहां आप जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जिसको भी हम मुशरिक कहते हैं, जिसको भी हम काफिर कहते हैं या मुलहिद कहते हैं, वो तीनों तरह की तौहीद का मुनकिर हो, नहीं। हम जब अपने मुकाबले में दूसरे मजाहिब का जायजा लेते हैं तो इस कायनात में कुछ मजहब ऐसे नजर आते हैं जो अल्लाह को जात में एक नहीं मानते। वो कहते नहीं, अल्लाह है ही दो, सफात और अफाल की बात ही नहीं है, वो पर्सनालिटी में ही दो है या पर्सनालिटी में ही तीन है।
बाद अफराद ऐसे दिखाई देंगे, बाद मजहब वाले जो अल्लाह को जात में तो एक मानते हैं। मैं जानता हूं कि इस तरह की जो गुफ्तगू होती है थोड़ी सकील होती है, नींद आने लगती है, लेकिन इंशाल्लाह जब नतीजा पहुंचेगा तो आप महसूस होंगे। कुछ अफराद, कुछ मजहब के मानने वाले ऐसे अफराद भी दिखाई देंगे जो अल्लाह को पर्सनैलिटी में तो एक मानता है मगर सिफात में मुशरिक हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जात में भी एक मानते हैं, सफात में भी एक मानते हैं, यानी मुवाहिद है, मगर अफआल में जाके वो मुशरिक हो जाते हैं। अब इसके नमूने मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि बिल्कुल बात वाज़े हो जाए। देखिए इस कायनात के अंदर, बहुत से ऐसे अफराद हैं, 8 अरब की दुनिया इस वक्त, तकरीबन 7 अरब ऐसे अफराद हैं जो किसी ना किसी मजहब को मानते हैं, किसी भी मजहब को मानते होंगे। 1 अरब शायद ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल मुनकिर हो जाते हैं किसी भी मजहब के, किसी भी शरीयत के, और अपने आप को एथिस्ट कहते हैं या कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम किसी मजहब को नहीं मानते। अलबत्ता जिस वक्त वो ये कहते हैं कि हम किसी मजहब को नहीं मानते, उस वक्त भी उनका एक मजहब होता है कि वो इस मजहब में है कि जिसमें किसी को नहीं माना जाता, तो ये खुद उनकी खता होती है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, वो मजहब वाले जो किसी दीन को मानते हैं, किसी शरीयत को मानते हैं, खुदा का वजूद हरेक के यहां है, सब खुदा को मानते हैं मगर मुवाहिद नहीं कहलाते, मुसलमान नहीं कहलाते। क्यों? कोई जात में दो मानता है, कोई सिफात में दो मानता है, कोई अफआल में, कई लोगों को शरीक करता है। कैसे? इस कायनात में हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह एक है। आप सोच रहे हो जनाब ज़हरा के मुतालिक मजलिस हो रही है और अकीदे का यह सबक क्यों सुनाया जा रहा है? इसलिए कि अगर ज़हरा समझ में आ जाएंगी तो तौहीद समझ में आ जाएगी, और अगर तौहीद समझ में आ गई तो ज़हरा समझ में आ जाएंगी। आप जानते हैं ना, इन दोनों का, हजरत ज़हरा तौहीद और नबूवत के दरमियान की कड़ी हैं। वो जो हदीस है ना कि खुदावंद आलम ने कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको खल्क किया। जब आप इसकी परतों को खोलते हैं और आप तलाश करते हैं कि साहब जो कोई छुपता है तो कोई पर्दा होता है ना, कोई जब छुपा जाता है तो एक पर्दा होना चाहिए। अल्लाह किन पर्दों के पीछे छुपा हुआ था? क्या साहब ये मादी पर्दे नहीं थे? वो तौहीद के पर्दों में छुपा हुआ था, वो तौहीद के पर्दों में छुपा हुआ था, लिहाजा उसने इन पंजतन को बनाया। तो आप कहेंगे कि साहब आप हजरत ज़हरा को कड़ी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अगर अल्लाह छुपा हुआ था, तौहीद को समझना था, तो आप पंजतन को कहिए कि इनके जरिए पहचाना गया है। तो हकीकत यही, मगर बात जब पंजतन के इरफान की आती है, इन पंजतन की वजह से अल्लाह पहचाना गया, तौहीद के पर्दों को हटाया गया, अल्लाह का जलवा नमूदार हुआ और हमें इरफान खुदा हासिल हो गया, मगर पंजतन भी अपने आप में नूर की चादर में पोशीदा थे। और सिर्फ बात हम खाती इंसानों की नहीं थी, बल्कि इनको भी जब ना पहचान सके मलाइका तो पूछा कि ये है कौन जो चादर में जमा है। लिहाजा अब पहचान के लिए जो मरकज करार पाई, महवर करार पाई, वह हूं फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनूहा। लिहाजा फातिमा के जरिए से इरफान रिसालत भी होगा, इमामत को भी पहचाना जाएगा, और जब रिसालत और इमामत समझ में आ जाए तो तौहीद के दरीचे बाज हो जाते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। लिहाजा बीबी वो बीच की कड़ी है जिनके जरिए से तौहीद, खुदा सलामत रखे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब बात आ गई है तो मैं अर्ज कर दूं, कि देखिए जिन इस कायनात के मुतालिक जब हम इन चीजों को देखते हैं, बहुत सी चीजों के मुतालिक हम आलिम हैं, हमें मालूम होता है कि ये बातें हैं और ये बातें नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते। आज भी जब इंसान के इल्मी मेयार को खंगाला जाता है तो हर आकिल ये कहता है कि साहब अभी तो इंसान के पास इस किताब में, इस कायनात को अगर एक किताब तसव्वुर किया जाए तो पहले सफे की पहली सतर का पहला लफ्ज भी समझ में नहीं आया है। इतना इल्म होने के बाद ये कायनात इतनी बड़ी है, ये सिर्फ यूनिवर्स नहीं है बल्कि मल्टीवर्स है। जिस वक्त आप कायनात की वसअतों को तलाश करना चाहेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस खित्ते अर्जी में आप रहते हैं, ये कायनात को जब आप इस जगह से मुकायसा करेंगे तो ये इंसान के बदन की आंख की उस काली पुतली के बराबर भी नहीं है कि जिसको हम ये समझते हैं कि साहब ये बहुत बड़ी कायनात है। जब हम इस कायनात को खंगालते हैं तो इस कायनात में बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें मालूम है, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं मालूम है। तरीका क्या है? मंतिक का कायदा ये है, लॉजिक ये कहती है कि जो चीजें इंसान को नहीं मालूम होती, जिन चीजों के मुतालिक वो जाहिल होता है, उसका इल्म हासिल करने के लिए उन चीजों को जरिया बनाता है जिनके बारे में उसे पहले से मालूम हो। मुझे मालूम है, जुमला गुजलक हो गया, मैं और वाजे कर दूं।
देखिए, अगर आप किसी मजहूल चीज को जिसको आप नहीं जानते चाहते हैं कि उसका इल्म हो जाए, वो कैसे होगा? आप जरिया बनाएंगे उन चीजों को जिनका इल्म आपके पास पहले से मौजूद हो। मिसाल ताकि बात वाजे हो, आप मुझसे पूछेंगे ये बताइए मौलाना आप लखनऊ में रहते हैं तो स्टेशन से आपका घर कितनी दूर है कि कभी अगर हमें आना हो तो हम आपके घर कैसे पहुंचेंगे, कितनी दूरी है चारबाग से आपके घर के दरमियान? तो मैं कहूंगा आप ये समझ लीजिए कि अहमद के घर से जितनी दूरी मोहम्मद के घर की है उतनी ही दूरी चारबाग से मेरे घर की है। तो आप कहेंगे मौलाना ये तो आपने और सख्त कर दिया, कम से कम अभी चारबाग और आप में मैं दोनों को पहचानता था कि एक आप है एक चारबाग है, लेकिन आप ये जो अहमद और मोहम्मद कह रहे हैं ना, मैं अहमद को जानूं ना मोहम्मद का घर मुझे मालूम, मैं क्या जानूं अहमद कहां रहता है और मोहम्मद कहां रहता है? हमने कहा फिर आए मैं आपको कैसे बताऊं कि साहब कितनी दूर है मेरा घर? बोले आप ऐसी चीज बताइए जो मुझे मालूम हो, ऐसी चीजों की मिसाल दीजिए जो मुझे मालूम हो। हमने कहा अगर ये बात है तो भैया समझ ले कि जैसे ये इमाम बारगाह जो दुलहीपुर में मौजूद है जितनी दूरी यहां से मिसाल के तौर पर रामनगर की होती है उतनी ही दूरी चारबाग स्टेशन से मेरे घर की होती है। आप फौरन समझ जाएंगे कि स्टेशन से मेरा घर कितनी दूर है, जबकि पहले अहमद और मोहम्मद में बात वाजे नहीं थी। ये क्यों? इसलिए कि मजहूल को मालूम करने के लिए अपने ही इल्म का सहारा लिया जाता है, अपने ही इल्म का सहारा लिया जाता है। भाई मामला क्या था कि जब मलाइका ने पूछा कि ये चादर के नीचे कौन है, ये चादर के नीचे कौन है, तो फिर ये जहरा को क्यों मरकज बनाया गया? ये क्यों नहीं कहा गया कि मोहम्मद है और उनकी बेटी, उनके नवासे उनके भाई सब? इमाम हसन को मरकज क्यों नहीं बनाया, इमाम हुसैन को मरकज क्यों नहीं बनाया? कहा इसलिए कि नबूवत मजहूल है उस वक्त तक, इमामत नामालूम है उस वक्त तक जब तक इरफान जहरा हासिल ना हो। लिहाजा मलाइका को बताना था कि कौन है, तो अब एक ऐसी हस्ती को जरिया बनाया गया कि जिनका इरफान मलाइका के पास पहले से मौजूद था। मैंने कहा मेरे अल्लाह इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि ये मलाइका मोहम्मद मुस्तफा को नहीं पहचानते थे, अली मुर्तजा को नहीं जानते थे, हसनैन को नहीं पहचानते थे, मगर उस आलम अनवार में हजरत जहरा कुब्बे के नीचे मौजूद जहां तस्बीह और तहलील करती थी, ये जहरा को भी जानते थे और फातिमा को भी पहचानते थे। सलवात भेज दे लहुम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा, वो वही फातिमा है जो अर्शे इलाही पे तस्बीह तमजीद में अपनी जिंदगी को गुजार रही है। इसलिए कि जब पैगंबर इस्लाम ने यह बताया था आकर मेराज से कि मेरी बेटी वहां नूर के कुब्बे के नीचे बैठकर अल्लाह की तस्बीह और तहलील करती थी, तो पूछने वाले ने पूछा नबी खुदा ये बताइए कि वहां खाती क्या थी? है ना, मुसलमान ने सारी कोशिश ही खाने में लगा दी और पैगंबर और अल्लाह भी ये बात जानता था, लिहाजा पहली दावत ही खाने से शुरू की थी। और जब इस्लाम कामिल हुआ, आप जानते हैं ये भी एक अजीब मकबूला है, हम जो कहते हैं कि साहब अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि आज के दिन दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, ये कब हुआ? हमारा और आपका अकीदा क्या है, तारीख क्या बताती है कि जब गज़वे खुम में नबूवत ने अपने ओहदों और अपने तमाम मनसबों को इमामत की तरफ मुंतकिल कर दिया तो फिर ये दीन कामिल हो गया। मगर आप बाज तफसीर उठाकर देखें, अल्लाह अकबर, बाज तफसीर उठाकर देखें तो आपको क्या मिलेगा कि साहब जब गोश्त के अहकाम अल्लाह की तरफ से आ गए तब दीन कामिल हो गया। बखुदा जब आप तलाशेंगे इस आयत का शान नुज़ूल तलाशेंगे तो आपको मुखालिफीन अहले बैत के यहां जो मिलती है तफासीर उसमें मिलता है कि साहब जब अल्लाह ने गोश्त के अहकाम जारी कर दिए, क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, किसको ज़बह किया जाए और किसको छोड़ा जाए, तो दीन कामिल हो गया। तो ये जो मुसलमानों ने हर चीज को खाने के अंदर इस तरह से रख रखा है कि बस खाना है तो इस्लाम है। मैं बात वाजे कर दूं और ज्यादा, किसी इलाके में मेरे किसी एक दोस्त का जाना हुआ तबलीग के सिलसिले में माह रमजान में, उनसे पहले कभी कोई वहां तबलीग में नहीं गया था, पहली मरतबा आलिम को जाना था, तो साहब जो लेके जा रहा था उसने बताया कि जहां आप जा रहे हैं वहां ना लोग नमाज जानते हैं, ना रोजा, ना हज, ना जकात, ना वजू, ना तहारत, कुछ भी नहीं जानते। कहा जाए तो बड़ा सख्त हो जाएगा। कहा नहीं सख्त नहीं, सादा लौह इंसान है, आप समझाएंगे उनकी समझ में भी आ जाएगा। आमादा हुए जाने के लिए, माह रमजान से एक रोज पहले उस बस्ती में पहुंचे तो मुआइने के लिए ऐलान किया गया मस्जिद से कि साहब जितने भी मोमिनीन जितने भी मुसलमान इस बस्ती में रहते हैं वो मस्जिद में आ जाएं।
ताकि हम उनको पहचान लें, वो हमें पहचान लें, और एक महीने का उनके सामने पूरा निजामुल औकात दे दिया जाए कि नमाज सुबह कब होगी और जोहर कब होगी और मगरिब कब होगी और अफ्तारी कब होगी, ये सारी बातें उनको बता दी जाए। सब जमा हो गए तो मौलाना ने इम्तिहान लेने के लिए कि देखें इनकी इल्मी लियाकत कितनी है, दीन से कितना वाबस्ता है। एक बुलाया, जरा उठिए, वजू जानते हैं किसे कहते हैं? उसने दाई जानब देखा और बाई जानब देखा कि शायद कोई बाप या कोई बूढ़ा कोई चचा बैठा हो, कोई इशारा कर दे। उन्होंने साहब जानते तो नहीं है, पूछ लेंगे किसी से। कहा किससे पूछेंगे? कहा किसी से, कहा जिससे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। अब वो एक एक का चेहरा देख रहा है, साहब किससे पूछे, वजू किसे कहते हैं? जिससे भी पूछा वो आरी और खाली। उसने कहा हमें भी नहीं मालूम। मौलाना नाराज हुए कि साहब आपको वजू तक नहीं, नमाज जानते हैं किसे कहते हैं? साहब ये क्या होता है? अच्छा रोजा कहां, अभी सुना है कुछ रोजा होता है, दिन भर भूखे रहना पड़ता है। बहरहाल मामला यह हुआ कि दीन का एक एक मसला मुबल्लिग पूछता रहा। अब वो कहते रहे साहब ये साहब क्या है, पहली बार नाम सुन रहे, ना इसको जानते हैं ना इसको सुना ना। आखिर में उसने गुस्सा के पूछा, ये बताओ गोश्त वोश्त खाते हो कि नहीं? गोश्त वोश्त खाते हो कि नहीं? भाई इतना कहना था, चार पांच मुस्टंडे अपनी जगह से खड़े हुए। मौलाना दिमाग खराब है, काफिर समझ रखा है क्या? हम मुसलमान हैं तो जहां दीन गोश्त के अहकाम पे तमाम होगा वहां इस्लाम गोश्त की देगों में खत्म हो जाएगा। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। लिहाजा पूछने वाले ने पूछा, नबी खुदाब कह रहे हैं जहरा वो कुब्बे अर्श पर रहा करती थी नूर के कुब्बे में, तो वहां वो खाती क्या थी? अल्लाह अकबर। पैगंबर का जवाब सुनिए कि मेरी बेटी जहरा की गजा आसमान पर अल्लाह की तमहीद और उसकी तमजीद थी। वो अल्लाह अकबर कहती थी, उसकी गजा बन जाता था। वो सुबहान अल्लाह कहती थी, उसके गजा की सूरत में उसको ये हासिल हो जाता था। अजीजान ग्रामी, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। देखिए ये सिर्फ हजरत जहरा के लिए नहीं है, जिसने पाक इमाम सैयद साजदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनाजात है 15 को, 15 मुनाजात जो आपने हमको सिखाई है। अच्छा ये भी एक अजीब अलमिया है, इमामों की मुनाजात मौजूद है, मासूम जबान से मुनाजात मौजूद है। हम उनकी तरफ मुराजिया नहीं करते, अपने जैसे किसी खाती और किसी गुनाहगार के अल्फाज की मुनाजात को दरगाहों में पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं है, मगर मासूमीन की जो मुनाजात है, मासूम अल्फाज जो निकले हुए हैं जिस जबान से, अगर उनको जिंदगी में उतारेंगे तो फिर कितना मजा आएगा। लिहाजा इमाम चहर्रम फरमाते हैं उन 15 मुनाजात में, जो मुफाती में भी मिल जाएंगी और दूसरी किताबों में भी, एक मुनाजात है मुनाजात जाकिरीन, कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो जब अल्लाह से बातें करते हैं तो क्या, और वहां पर एक जुमला मिलता है अल्लाह अकबर, कि जब अल्लाह का खास बंदा इस मंजिले जिक्र में पहुंच जाता है, मंजिले जिक्र में पहुंच जाता है। इंशाल्लाह बात आई है तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप हजरात जरूर इन मुनाजात के ऊपर गौर करें। जुमे के रोज से शुरू होती है, 15 रोज का यह कोर्स है इमाम की तरफ से, कि तुम अगर चाहते हो अल्लाह से करीब हो जाओ तो इन 15 मुनाजात को खुदा की बारगाह में पढ़ो, अल्लाह को बुलाओ अल्फाज के साथ भी, तर्जुमे के साथ भी, और पैगामात को जिंदगी में उतारो और फिर देखो अल्लाह तुमसे कितना नजदीक हो गया है। लिहाजा एक मुनाजात जो मुनाजात ज़ाकरीन है, उसमें बंदा अल्लाह से उसके एहसान की चीजों को जिक्र करते करते हुए ये कहता है, ए मेरे परवरदिगार, बस अब इतना चाहता हूं कि कायनात की तमाम लज्जतें मुझसे छीन ले और अपने जिक्र की लज्जत मुझे दे दे। कायनात की तमाम लज्जतें मुझसे छीन ले, बस अपने जिक्र की लज्जत दे दे। लिहाजा मालूम यह हुआ कि अगर बंदा उबूदियत में जाकर अल्लाह को पुकारता है तो फिर जिक्र में लज्जत आती है। हम अपने जाहिरी खानों में लज्जत तलाश करते हैं, हम अपने नरम बिस्तर में लज्जत तलाश करते हैं, हम बड़े घर में लज्जत तलाश करते हैं, मगर जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं वो जिक्र में लज्जत तमाम को तलब करते हैं। ना सिर्फ ये तलब करते हैं बल्कि कुरान का हुक्म भी वाज़े करते हैं कि ये लज्जतें मुमकिन है थोड़ी मुद्दत के लिए तुम्हें आराम तो दे दें, मगर अगर इत्मीनान चाहते हो तो अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, सिर्फ जिक्र इलाही है जो तुम्हारे कल्ब को इत्मीनान देगा। राहत पा जाना और है, इत्मीनान पा जाना और है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अर्ज ये कर रहा था कि जिक्र की अपनी एक लज्जत होती है। हज़रत ज़हरा उस अर्श इलाही पर जिक्र खुदावंदी के जरिए से लज्जत हासिल करती थी और यह गजा हासिल करती थी। ये हजरत जहरा, लिहाजा मलाइका पहचानते थे हजरत जहरा को, और यहां कहा गया वही जहरा हैं जो आसमान पे थी, आज उनके बाबा उनके शोहर और उनके बच्चे मौजूद हैं। अजीजों मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि तौहीद जाती सिफाती और अफआली होती है। इस कायनात में कुछ ऐसे, और आप बिल्कुल न घबराएं,
मैं 55 मिनट से ज्यादा मजलिस कहीं नहीं पढ़ता हूं, और इससे पहले उतर आऊंगा इंशाअल्लाह। जब इस कायनात में अल्लाह के मानने वालों को तलाशा जाता है ना, तो वहां पर हमें दिखाई देते हैं कुछ ऐसे अफराद जो अल्लाह को एक तो मानते हैं जात में, मगर इसी कायनात में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो अल्लाह को जात में दो मानते हैं, कि दो अल्लाह हैं इस कायनात में। हो सकता है आपने ना सुना हो, मगर इस कायनात में कुछ ऐसे अफराद हैं जो कहते हैं अल्लाह दो है, दो अल्लाह है। ये कौन अफराद है? कसम, ये मजूसी है, ये पारसी जो अपने आप को कहते हैं ये दो खुदा के कायल है। ये कहते हैं इस कायनात में जितनी अच्छी बातें आप देखते हैं, जितनी नेमतें नाजिल हो रही हैं, जो इंसान को फायदा पहुंचा रही हैं, इनको भेजने वाला एक खुदा है, और जितने खराबियां और खामियां आप इस कायनात में देख रहे हैं, इनको भेजने वाला दूसरा खुदा है। वो कहते हैं इस कायनात में दो खुदा है, एक अच्छाई का खुदा, एक बुराई का खुदा। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इनके यहां पाया जाता है, बाकी किसी मजहब में नहीं है। ये वो मजहब है, ये वो दीन है कि जो दो खुदाओं का कायल है। और मैं ये अर्ज कर दूं कि ये भी बिगड़ी हुई कौम है, जैसे मसीहत और यहूदियत, ये भी बिगड़ी हुई कौम है। इनके यहां एक नबी आया था जिनका नाम था हजरत जरतुश्त, जिनको हम सब नबी मानते हैं। उनके जाने के बाद उनके चाहने और उनके मानने वालों ने उनके दीन को बिगाड़ा और नई नई रस्मों को उसमें शामिल किया, अल्लाह का दीन ताक पर रख दिया और अपनी ख्वाहिशों को दीन बनाकर पेश कर दिया। ये जो जरतुश्ती होते हैं, ये जो मजूसी होते हैं, कहते हैं अल्लाह दो है, अहूरा मजदा, एक अच्छाई का खुदा है और एक बुराई का खुदा है। ये जात में अल्लाह की शिर्क करते हैं, मुल्हिद हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। काफिर गाली नहीं है, काफिर है इंकार करने वाला। अल्लाह की जात के एक होने का जो इंकार करे वो काफिर है। अल्लाह के जात में किसी को कोई शरीक कर ले वो मुशरिक है। अल्लाह के वजूद का इंकार कर दे वो मुल्हिद है। ये कोई गालियां नहीं है, ये अरबी इस्तलाहे हैं। बहुत सी चीजों के हम काफिर होते हैं, बहुत सी चीजों के आप काफिर होते हैं। मिसाल के तौर पर जो जिस बात का इंकार कर देगा उस बात का काफिर होगा, या जो जिस बात को छुपा देगा वो उस बात का काफिर होगा। हम दूसरों को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो खुदा की हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा वो काफिर है, मगर ना काफिर कोई गाली नहीं है। अर्ज कर रहा था, तो अब ये वो अफराद हैं जो अल्लाह को जात में दो मानते हैं। इनसे आप आगे बढ़िए तो कुछ ऐसे इस कायनात में मजहब आपको मिलेंगे जो अल्लाह को सिफात में एक नहीं मानते और कहते हैं सिफात में अल्लाह कई है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं अल्लाह के अंदर भी यह सिफत पाई जाती है और फला के अंदर भी यह सिफत पाई जाती है। काश मुतवज्जो हो, अल्लाह को एक मानते हैं मगर जो अल्लाह की सिफात है, क्योंकि हमारा अकीदा ही है कि जात और सिफत एक है। अब ये कहते हैं कि साहब अल्लाह के अंदर जो खसूसियात है वो अल्लाह में भी है और उनमें भी है। कहिए जात में तो मुवाहिद है, सिफात में मुशरिक हो गए हैं। यह दूसरी बात हो गई, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। तीसरे, वो काफिर और मुलहिद और मुशरिक होते हैं जो जात में अल्लाह को एक मानते हैं, सिफात में भी अल्लाह को एक मानते हैं, अफआल में जाकर मुशरिक हो जाते हैं। क्या साहब ये कौन लोग हैं? कहिए वो लोग हैं कि कहते हैं कि साहब अल्लाह तो एक है मगर इस कायनात को चलाने के लिए उसने अपने इख्तियारात बांट दिए हैं। सामने की मिसाल दूं, एक दीन का नाम है मसीहियत, कि जो कहते हैं साहब है तो खुदा एक मगर वो अपने आप को तीन हिस्सों में तकसीम करता है। आसमान पर रहता है तो बाप बनता है और खुदा होता है, जमीन पे आता है तो बेटा बनता है और ईसा होता है। आसमान और जमीन के दरमियान जब इर्तिबात कायम करना होता है तो रूहुल अमीन की सूरत में जिब्रील बन जाता है, मलक बन जाता है। खुदा एक है, सूरतें बदलता है ताकि जमीन के काम ये अंजाम दे, आसमान के काम वो अंजाम दे। इसी तरह से इस जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहां जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ये अल्लाह के जात में मुशरिक नहीं है। काश मुतवज्जो हो आप, ये अल्लाह के जात में काफिर नहीं है, ये अल्लाह के अफआल में जाकर शिर्क करते हैं। साहब इसका मतलब क्या है? कहिए, ये कहते हैं कि अल्लाह तो एक है। देखिए, आपने ऑटो के पीछे और ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा होगा ईश्वर एक है, तो फिर जब ये एक मान रहे हैं तो फिर हम इनको मुवाहिद क्यों नहीं मानते? क्या इसलिए कि ये जात और सिफत में तो एक मान सकते हैं, अफआल में ये तीन खुदाओं के कायल हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी ताकत को तीन हिस्सों में तकसीम किया, एक ताकत वो है जिसने इस कायनात को बनाया, बच्चे हुआ, एक ताकत वो है कि जिसने बनने के बाद अब चलाने को कबूल किया, लिहाजा जिसने बनाया था वो बैठा हुआ आराम कर रहा है, कायनात को चलाने वाला दूसरा खुदा है। और जब कायनात पूरी तरह से आमादा हो जाएगी तो फिर वो तीसरा खुदा होगा, वो नाचेगा और दुनिया तबाह हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। यही तो कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यही कहा जाता है कि इस कायनात के निजाम के लिए अल्लाह ने अपनी ताकतों को जुदा करके हर एक के जिम्मे काम किया, एक ने बनाया, एक चला रहा है और एक कायनात को खत्म कर देगा। ये वो अफराद हैं जो अल्लाह के मुशरिक करार पाते हैं, मुलहिद करार पाते हैं। किसमें? अल्लाह के अफआल में। मगर जितनी भी अकीदे की किताबें आप उठाकर देख लीजिए,
जितने भी इल्म कलाम की किताबों को आप उठाकर देखिए, वहां तौहीद बस इन्हीं तीन चैप्टर में सिमटती हुई नजर आती है। या अल्लाह जात में एक होगा, या सिफात में एक होगा, या अफ़ाल में एक होगा। मगर इस आयत में खुदावंदे आलम ने इलाहात को न जात में जिक्र किया, न सिफात में जिक्र किया, न अफ़ाल में जिक्र किया। उसने कहा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा वदरुल लजीना युल्हिदूना फी अस्माए, छोड़ दो उनको जो अल्लाह के नामों में कुफर करते हैं, जो अल्लाह के नामों में शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के नामों में इलाहात करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुशरिक या जात में होता है, या सिफात में होता है, या अफ़ाल में होता है, ये नामों का मुशरिक कौन है, ये नामों का मुल्हिद कौन है, ये नामों का काफिर कौन है? क्या साहब ये देखते चले जाओ कि जिस किसी ने अल्लाह के नाम को गैर खुदा के हवाले किया हो वो नाम का काफिर कहलाएगा। मैं मिसाल दूं, अल्लाह का नाम था इलाह। पैगंबर इस्लाम के आने से पहले अरब के जाहिलों ने अल्लाह के नाम इलाह को एक झूठे खुदा के हवाले किया, नाम रखा गया लात। अल्लाह का एक नाम था मन्नान, इस नाम में शिर्क किया गया, मुकाबले पे दूसरा खुदा लाया गया, नाम रखा गया मनात। अल्लाह का एक नाम था अजीज, मुकाबले में झूठा खुदा खड़ा किया गया, नाम रखा गया उज्जा। पैगंबर से पहले मक्के के मुल्हदीन काफिरीन मुशरिकीन जात सिफात अफ़ाल में मुशरिक हो या ना हो, मगर सब के सब नामों में शिर्क करते थे, अल्लाह के नाम के सामने झूठा नाम लाया जाता था। ए मेरे परवरदिगार, ये तो पैगंबर से पहले होता था, यह पैगंबर के बाद हमें नामों के काफिर कहां दिखाई देंगे, नामों के मुशरिक कहां दिखाई देंगे? अब जवाब मिलेगा ईमान की उस हदीस से कि तुम अस्माए खुदा को तलाशना चाहते हो, अस्माए इलाही को देखना चाहते हो। देखो नहनो कलिमातुल्लाह, नहनो अस्माउल्लाह, हम ही अल्लाह के कलिमात हैं, हम ही अल्लाह की अस्मा है। तो अब जब ये अस्माए खुदा हैं, तो फिर तलाशो कि इनके मुकाबले पे कौन से नाम खड़े किए गए, इनके मुकाबले पर कौन से अस्मा लाए गए। अस्माए खुदा में एक नाम था फारूक, मुकाबले पे खड़ा किया गया, इस नाम में शिर्क हुआ, इस नाम में इलहाद हुआ, इस नाम में कुफर हुआ। अली का दूसरा नाम था गनी, अली का एक नाम था सिद्दीक। मगर जैसे पैगंबर से पहले नामों में कुफर होता था, पैगंबर के बाद भी नामों में कुफर हुआ और अली के फजाइल को दूसरों के हवाले किया गया। मगर तुम जो अल्लाह को बुलाना चाहो, तुम जो अल्लाह को पुकारना चाहो, तो सच्चे सिद्दीक के जरिए बुलाओ, असली फारूक के जरिए बुलाओ, जो वाकई माना में गनी हो उसके जरिए अल्लाह को बुलाओ, और जो उसके नामों में शिर्क करे, इलाहाक करे, कुफर कर दे, छोड़ दो उसे, उसके हाल पर सयुज़ौना मा कानू यअमलून, इसलिए कि वो अन करीब अपने उस अमल की जजा और सजा पाने वाला है। बादीदान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने अपने 23 बरस की जिंदगी में जिन जाहिल अरब बद्दुओं को इंसान बनने की तालीम दी थी, जिनको तरीके जिंदगी सिखाया, जिनको बोलने के उसलूब बताए, जिनको चलने का तरीका बताया, जिनको माशरे के कानून बताए, वगरना आप तारीख अरब को देखें, पैगंबर से पहले इन अरब बद्दुओं को न खाने का तरीका मालूम था, न पहनने का रिवाज जानते थे, खाने के नाम पर छिपकलियों के गोश्त से अपने पेट को भरने वाले, पानी के नाम पर कीचड़ को साफ करके अपनी प्यास बुझाने वाले, माशराती सिस्टम को खत्म करके दूसरों की बेटियों को लूट कर लाकर अपनी नस्ल का इंतजाम करने वाले, पैगंबर इस्लाम के कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू के नारे के साथ जाहरी तौर पर मुसलमान हुए, जाहरी तौर पर इंसान हुए। मगर जैसे ही इस पैगंबर ने उस खुल्क़े अजीम पर फाइज मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, ये अरब अपने दौरे जहालत में पलटे, ये अपनी खबासतों की तरफ नजर आने लगे, इसलिए कि अंधेरा जिनको पसंद हो उनको उजाले से परेशानी होती है। जब तक उजाला मौजूद होता है ये इस वजह से खामोश रहते हैं कि कहीं नूर के चाहने वाले इसके ऊपर हमला ना कर दें, मगर जैसे ही चिराग को बुझाया जाता है अंधेरे में बैठकर ये इस्तेहजा भी करते हैं और नूर खुदा को आगे
بجھانے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لہذا ادھر نور نبوت نے اپنی روشنی کو ختم کرنا شروع کیا، ادھر نور کے دشمن ظلمت کدے میں جا کر پیغمبر کے جانشین کے نام پر بیٹھ کر کہ اب ہم اپنے اعتبار سے اسلام کو چلائیں گے، اپنے اعتبار سے دین کی تعریف کریں گے اور اپنے بنائے قوانین کو اسلام میں داخل کریں گے، سچے جانشین مصطفیٰ کو درکنار کر کے اپنے میں سے اپنے جیسا ایک نائب مصطفیٰ قرار دیا۔ مگر جو آئے تھے اس دنیا کو انسانیت کا سبق دینے کے لیے، جو آئے تھے اسلام کا پاٹھ پڑھانے کے لیے، ان کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میرے بابا کی 23 برس کی زندگی کا کیا ہوگا، ان محنتوں کا سلا چلا جائے گا، ان زحمتوں کا نتیجہ حاصل نہ ہوگا کہ جن زحمتوں میں پیغمبر اسلام کا مکہ چھوڑنا بھی پایا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کا پتھر کھایا جانا بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا اب اس وارث نبوت نے اپنے آپ کو بلند کیا کہ اگر آج مسلمان دوبارہ جہالت کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہم بتائیں گے کہ امامت کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ نبوت کا پرچار و پرسار کیسے ہوگا، ہم بتائیں گے کہ نبوت کی تعلیمات کیا تھی، ہم بتائیں گے کہ توحید کے پیرائے کیا تھے۔ اور جب دشمن نے دیکھا کہ اب امامت اور نبوت کے درمیان وہ کڑی آ چکی ہے کہ جس کو ختم کیے بغیر نہ نبوت سے منکر ہوا جا سکتا ہے نہ امامت کی توہین کی جا سکتی ہے، لہذا اب دشمنوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس وارث مصطفیٰ کو، اس پیغمبر اسلام کی وارثہ کو کہ جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی وارث اس وقت تک موجود نہ تھا، اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ نبوت بھی منہدم ہو جائے، امامت کا دروازہ نہ کھلنے پائے۔ اور یہ طے کرنے کے بعد کچھ ظالم و جابر افراد آگ و لکڑی جمع کر کے اس دروازے پہ آ رہے ہیں جس دروازے پہ محمد مصطفیٰ 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی صدایں بلند کرتے تھے، اس دروازے کے اوپر کہ جہاں جبریل بھی آتا تھا تو اجازت طلب کرتا تھا، اس دہلیز کے اوپر جہاں رضوان جنت اپنے آپ کو درزی بتاتا تھا، اس دہلیز کے اوپر آگ لکڑی لے کر یہ نام نہاد مسلمان جمع ہو چکے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ تمہارے دروازے کو آگ لگا دی جائے گی۔ بی بی نے دیکھا کہ آنے والے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آنے والے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو انہیں میرے بابا کا کچھ تو پاس ہوگا، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں پیغمبر آ کر سلام کرتے تھے، ہاں اگر ابو الحسن باہر نہ آئے تو دروازے کو آگ لگائی جائے گی، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں جبرائیل و میکائیل بھی اجازت لے کر گھر میں وارد ہوتے تھے، ہاں ابو الحسن باہر نہ آئے تو دروازے کو آگ لگائی جائے گی۔ زہرا سمجھ گئی کہ جو لوگ آگ لگڑی لے کر آئے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شاید انسان تو ہوں گے، اور اب ایک ایسا احساساتی جملہ استعمال کیا کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں میرے ننھے ننھے حسنین سو رہے ہیں، جواب آیا ابو الحسن باہر نہ آئے تو آگ لگائی جائے گی۔ لے جائے دیدان گرامی، مسلسل مسائب آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس مجلس کے بعد بھی آپ مسائب سماعت فرمائیں گے، بس میں اشارہ کر کے مجلس کو تمام کروں گا، کیا ظلم ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کے اوپر، کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں اس علیا مقام بی بی کے اوپر کہ جو ملائکہ میں ایک شناختہ حیثیت کی حامل ہے، جو نگاہ قدرت میں کنیز خاص کا درجہ رکھتی ہو، وہ ہستی کہ جس کے لیے پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ تم صرف میری بیٹی نہیں ہو بلکہ میرا ٹکڑا ہو، میری نبوت کا حصہ ہو، میری رسالت کا حصہ ہو، اس زہرا کے دروازے پہ صرف آگ لکڑی نہیں لائی جاتی بلکہ 3 مہینے میں اتنے ظلم ہوتے ہیں، اتنی مصیبتیں ڈھائی جاتی ہیں کہ بی بی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، صبت علی مصائب اللہ ونہا صبت علی ایام سرنا لیا لیا، اے میرے بابا آپ کے بعد جو مصیبتیں میرے اوپر ڈھائی گئیں اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی، آئیے دیکھیں کون سی مصیبتیں ہیں۔ سننا چاہتے ہیں عزیز و تصور کریے، 18 برس کی جوان خاتون کی تصویر ذہن میں رکھیے، حضرت زہرا 18 برس کی ہے جب دنیا سے جا رہی ہیں، مگر آپ جانتے ہیں مصیبتیں کیا ہوئی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اللہ اکبر 3 مہینے میں کون سی مصیبتیں ہو گئیں کہ بی بی کے سر کے بال سفید، کمر خمیدہ، آنکھوں
की बीनाई जा चुकी है। 18 बरस की खातून के हाथों में ऐसा नहीं होता, मगर जहरा के हाथों में ऐसा है। असे के सहारे से रास्ता चलते हुए एक एक मुसलमान के दरवाजे को खटखटा के कहती है, क्या तुम भूल गए गदीर में अली को पैगंबर ने अपना जानशीन बनाया था? क्या तुम भूल गए मेरे बच्चों के लिए पैगंबर नाका बनते थे? ये बीबी अपने फदाइल क्यों बयान कर रही है? इसलिए कि रोजे महशर को ये न कह सके कि साहब जब जहरा के घर पे जुल्म हुआ तो हमें तो मालूम भी ना था कि क्या हुआ, जहरा ने कभी बताया भी ना कि घर में क्या हुआ। जहरा ने एक एक मुसलमान को गवाह बना के अपनी मुसीबतों का इजहार किया है। अजीदो मगर मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, बीबी कम अज कम 3 महीने का अरसा था, तुम्हारे सर के बाल सफेद हुए, कमर खमीदा हो गई, आंखों की बीनाई चली गई, मगर हायरे करबला में यही मुसलमान जब हुसैन के ऊपर मुसीबतें ढाते हैं तो एक दिन में सुबह आशूर हुसैन के सर के बाल सयाह होते हैं। असरे आशूर आते आते असगर के जनाजे ने हुसैन के सर के बालों की रंगत तब्दील कर दी, अकबर के जनाजे ने हुसैन की बीनाई को छीना, अब्बास की मैयत ने अलान इनकसर जहरी के तहत हुसैन की कमर को तोड़ दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में रुलाए, सवाय गम अहले बैत के मजलिस तमाम है। इसी तरह से तेहरान में एक मजलिस हो रही है, खतीब हजरत जहरा के मसाइब को बयान कर रहा है, मसाइब ऐसे कि दहाड़े मार मार के मोमिनीन रोते हैं। मजलिस तमाम हुई, तबर्रुक तकसीम हुआ, तमाम मोमिनीन अपने अपने घरों की तरफ वापस होने लगे, मगर अब जो खतीब की निगाह अजा खाने के गोशे पे गई, क्या देखा एक मोमिन सिसकियां ले लेके रो रहा है, अभी भी रोता चला जाता है। नजदीक जाके कहते हैं, हजरत जहरा की मुसीबत तो ऐसी ही है कि कयामत तक रोया जाए तो कम है, मगर मुझे इतना बता दे कि आखिर इस मजलिस में तुझे ऐसी कौन सी बात लग गई कि अब तक आंसू बहा रहा है? उसने हाथों को जोड़ के कहा, मौलाना मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है जब कोई हड्डी टूट जाए उसका दर्द क्या होता है। आपने बयान किया, अरे जब आग और लकड़ी लेकर मुसलमान जमा हुए, दरवाजे को गिराया गया, जहरा की पसलियां टूट गई। आप जानते हैं अगर किसी की पसलियां टूट जाए तो एक सांस पर 2 मरतबा तकलीफ होगी, जब सांस खींचेगी तो तकलीफ, जब सांस बाहर छोड़ेगी तो तकलीफ। हाय हजरत जहरा, पसलियां टूटने के बाद 90 बरस कैसे जिंदा रही, हर सांस में तकलीफ होती होगी, यही तो वजह थी जब गुस्ल के लिए हजरत जहरा को अली ने मारे गुस्ल में लेकर आए, एक चीख मार कर रोते हैं, ए जहरा तुमने मुझसे इस जख्म को मख्फी रखा, ए मोहम्मद मुस्तफा मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका, ए जहरा अली मजबूर था तुम्हारा दफा न हो सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबियन क़लबू।